नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते प्रदेश के जामनगर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह पानी भर गया है। शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों का पैदल निकलना तो दूर, बड़े वाहन भी पानी में जाम हुए जा रहे हैं। इस बीच एक सांसें थामने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर गुजरात के जामनगर की है, जहां एक सरकारी बस ड्राइवर ने बाढ़ के पानी में डूबे हाईवे पर बस को निकाल दिया। बस में कई प्रवासी भी सवार थे। उन्होंने बस के अंदर से ही इस घटना के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हाईवे पर इतना पानी भरा है कि दूर दूर तक रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी बीच वो सरकारी बस का ड्राइवर अपनी और प्रवासियों की जान की परवाह किए बिना बस को वहां से होकर निकाल रहा है। ये घटना द्वारका हाईवे पर स्थित बेड गाँव के नजदीक की है, जहां ब्रिज पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था। ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। ऐसे में द्वारका कृष्ण नगर रूट की बस वहां से गुजरी थी। अगर कहीं रास्ते में गड्ढा होता तो निश्चित ही बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना जामनगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बस पानी में कहीं कहीं तो करीब आधी तक डूब गई थी, लेकिन ड्राइवर विचलित ना हुआ। वो बस को वहां से निकाल कर कुछ समय बाद ही एक सुरक्षित रास्ते पर ले गया। इस जोखिम भरे रास्ते में बस को सुरक्षित हाईवे पर पहुंचाने में उसे कुछ ही मिनट लगे। कई लोग उस ड्राइवर की हिम्मत को दाद दे रहे हैं, वहीं कई कह रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। आई गाड़ी के बात हो जाएगी।